हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन रिलेटेड है डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी में की और वैल्यू दोनों होती है, तो देख सकते हैं ये की है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर की है ये और ये इसकी वैल्यू है, यानी वैल्यू तो डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन की डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। और यहाँ पर क्या प्रिंट करवाया गया है, तो डी को प्रिंट करवाया गया और नेम को प्रिंट करवाया गया। जरा ध्यान दीजिएगा, ये नेम जो है सिंगल डिजिट कॉमा में है, तो ऐसे में कंफ्यूजन ये बनता है कि डी तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन डी में सिंगल डिजिट कॉमा में नेम लिखे जाने से क्या यहाँ पर केवल नेम प्रिंट हो जाएगा, यानी नेम जैसे का तैसा प्रिंट हो जाएगा या कुछ और भी प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है डी, डी का मतलब है कि ये जो पूरा है, ये पूरा जो डिक्शनरी है वो, और नेम का मतलब है केवल नेम। तो नेम में तो एक ही नाम है सूरज, तो यहाँ पे केवल और केवल सूरज ही प्रिंट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो F5 करते हैं इसको चलाने के लिए और इसको किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं हम, और एंटर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सूरज ही प्रिंट करके हमें दे रहा है। नेम के बजाय अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर कर देता तो यहाँ पे 1 आता। कैसे, देखिए यहाँ पर R प्रेस किया हमने और यहाँ पे लिखा NO, ठीक है। और अब अगर इसे चलाता हूँ तो यहाँ पर आपको 1 डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ से इसे रन कराते हैं और देखिए यहाँ पे 1 ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी कि इसका आउटपुट आपको कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।